हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। और हम अब इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। गाइस, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। टू वाटर टैंक्स हैं, यानी कि ये दो वाटर टैप हमने ले लिए, वो एक टैंक को ही, सपोज ये टैंक ले लिया हमने, इसको फिल कर रहे हैं 9 3/8 आवर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो गाइस कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब फिर जो आंसर आता है इसको 3 में ऐड करते, तो 9 8 72 72 प्लस 3 75, तो 75/8 आवर्स इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब दोनों टैप्स ओपन कर दिए जाते हैं तो टोटल उस टैंक को फिल करने में जो टाइम लगता है वो ये लगता है 75/8 आवर्स, यानी कि 9 आवर्स कुछ मिनट लगते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ये हमने लार्जर डायमीटर वाला टैप ले लिया है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी कि जब हम अलग अलग ओपन करेंगे दोनों को, ये स्मॉलर डायमीटर वाला और ये लार्जर डायमीटर वाला, तो जितना टाइम इसको फिल करने में लगेगा उससे 10 घंटे इसको कम लगेंगे। यानी कि अगर ये एक्स आवर्स में, या ये कह लो 15 आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर रहा है, तो ये केवल 5 आवर्स में उसको अकेला फिल कर देगा। ठीक है, तो करना क्या है गाइस, इसकी स्पीड लेट कर लेते, क्योंकि जो इसकी स्पीड होगी उससे ये 10 आवर्स कम लेट करेगा। तो मान लेते हैं टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, हमने लेट कर लिया एक्स आवर्स लेट लग रहे हैं, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 आवर्स, क्योंकि जब उसको एक्स लग रहे तो उसको कितने लगेंगे, एक्स माइनस 10 आवर्स। ठीक है, ये तो रही बात इसकी कि इसको एक्स आवर्स लग रहे थे फिल करने में, इसको एक्स माइनस 10 आवर्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे ना मैन वुमेन वाले, कि अगर टैप को टोटल फिल करने में एक्स आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में कितना फिल कर पाएगा, इस एक्स को नीचे ले आते थे 1/x टैंक फिल कर पाएगा। यानी कि अगर 2 आवर्स में वो टैंक को कंप्लीट फिल कर रहा है, इसका मतलब 1 आवर में वो केवल हाफ टैंक फिल कर पाएगा, ये एक्स नीचे आ जाएगा। तो टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना टाइम लगेगा गाइस, उसे 1/x भर पाएगा। और टोटल टाइम उनको कितना लग रहा था, ये 75/8 आवर्स टोटल, जब दोनों को हम ओपन कर देते हैं तो 75/8 लगता है। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं पूरा भरने में, पूरा तो भर जाएगा लेकिन इसने कुछ कम पोर्शन भरा होगा, मान लो इसने यहां तक भर पाया होगा, बाकी बचा हुआ इसने भरा होगा। यानी कि मान लो अगर इसको 1/3 पार्टी ये फिल कर पाता है, तो जो ये है बचा हुआ 2/3 फिल कर रहा होगा, जब ही तो 1/1 पूरा कंप्लीट फिल होगा। इसका मतलब हमें ये देखना है, जो 1/3 हम नॉर्मली कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 75/8 आवर्स में टोटल उसको कितना फिल कर पाया होगा वो। तो टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन, अब हम देखेंगे 75/8 आवर्स में उसे कितना फिल किया होगा, तो 75/8/x, क्योंकि x नीचे है। सिमिलरली टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1/x-10, क्योंकि टोटल x-10 आवर्स लग रहे थे उसको, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/x-10 आवर्स, राइट। तो ऐसे ही हम निकालेंगे कितने आवर्स में, 75/8 आवर्स में कितना टाइम लगेगा उसे, सॉरी कितना वो भर पाएगा, 75/8 × 1/x-10, ये हो गया है। अब ये बात रही कि 75/8 आवर्स में ये उस टैंक का इतना पोर्शन फिल कर पाता है और ये इतना पोर्शन फिल कर पाता है, लेकिन टोटली तो ये कंप्लीट फिल कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम कितना मिला 1। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लेट किया था कि मान लो स्मॉलर टैंक अगर 1/3 पार्ट कर रहा है, लार्जर टैंक 2/3 पार्ट कर रहा है, तो कंप्लीट मतलब इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं इन दोनों का सम भी क्या होगा, 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 75/8x प्लस 75/8 × x-10 इज इक्वल्स टू क्या हो गया गाइस, 1। करना क्या है, 75/8 टिक कॉमन, तो व्हाट विल वी गेट, 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल्स टू 1। इस 8/75 को उस साइड ले जाते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x × x-10
इज इक्वल्स टू 8/75। एक्स से जब इसको डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस टेन आएगा, प्लस एक्स माइनस टेन से जब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो केवल एक्स बचेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा यहां से, एक्स एक्स एड होगी 2x हो गया, तो 2x माइनस टेन अपॉन यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 75 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 75 यानी कि 150x, हाँ ठीक है, माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8 से करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x। सारी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 8x स्क्वायर ये माइनस का 80x है, ये प्लस का 150x, भी तरह के किसका हो जाएगा, माइनस का 150x, तो माइनस 80x माइनस 150x और ये माइनस का 750 हो जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक, अब करना क्या है, देखो इसको ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 15 × 8 = 23 होता है, तो 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन लेंगे गाइस, अब हम यहां से देखो 8 कॉमन आ सकता है क्या, 8 कॉमन नहीं आ पाएगा, 2 कॉमन आएगा, केवल 2 कॉमन ले लेंगे, 2 × 4 = 4x² माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, 1 × 5 = x प्लस 2 × 2 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 इज इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई में दो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बचेगा, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने बताया था कि इस तरह का जब लार्ज इक्वेशन आती है तो करते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे, 4 × 375 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 375 × 4, तो 4 × 5 = 20 = 2, 0 कैरी 2, 4 × 7 = 28, 28 + 2 = 30, 0 कैरी 3, 4 × 3 = 12, 12 + 3 = 15, 1500 यानी कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 1500 मिले और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके। अब क्या करना होगा गाइस, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड करके क्या मिले, 115। तो जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम यहीं से, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 3 से करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। अब ये केवल नंबर है, इनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिससे 115 सम मिल जाए। तो देखो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो ये रहने देते हैं, एक 5 को छोड़ देते हैं, 5 × 5 = 25 एंड 3 × 2 = 6, 2 = 12, तो 12 × 25 क्या होगा गाइस बताओ, उसको तो मल्टीप्लाई करके 115 मिलने से रहा, तो एक बार 3 और 5 इन दोनों को छोड़ देते हैं, 3 × 5 = 15 और बाकी को ऐड कर ले, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 = 25 और 2 × 2 = 400, तो 115 ये टू नंबर मिल गए, हाँ, और ऐड करके 115 आ ही रहा है, तो क्या 4x² क्योंकि एडिशन है तो सेम साइन लेना पड़ेगा माइनस का, जब भी तो 115 नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब जस्ट करना क्या है गाइस, कॉमन लेते हैं, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे सबसे पहले और x का कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से तो क्या बचेगा, केवल x माइनस 4 × 8, 4 × 5 = 20। अब यहां से भी कुछ ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिससे अंदर ये सेम टर्म आए, तो 15 तो कॉमन दिख ही रहा है मैं आ रहा है, और क्योंकि x कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो एक ब्रैकेट बनेगी इससे x माइनस 25 और एक आएगी इससे 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 15/4 आ जाएगा, तो यानी कि ये जो x हमने लेट किया था वो क्या आ गया, टाइम टेकन आ गया। तो गाइज x की ये टू वैल्यूज मिल गए, अब चेक करना है कौन सी वैल्यू ठीक है, तो देखो x हमने क्या लेट किया था, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टाइप टू फिल द टैंक एक्स आवर्स यानी कि 25 आवर्स, अगर 15/4 आवर्स लेते हैं तो इसका मतलब होगा 3 point something hours, 4 × 3 = 12, 3 point something hours इसको लगे ठीक है, लेकिन एक्स माइनस 10 3 नेगेटिव आवर्स आ जाएंगे यानी कि लार्जर टैंक नेगेटिव आवर्स में कंप्लीट करेगा, क्या आवर्स के भी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लेंगे आंसर केवल इसको, तो एक्स इज 25, तो यानी कि स्मॉलर टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 25 आवर्स, और लार्जर टैंक को कितना लगेगा टाइम, 25 - 10 यानी कि 15 आवर्स, ठीक है।
क्लियर है? इसका चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज इफ वी टेक एक्स इज इक्वल टू 15/4 देन एक्स माइनस 10 इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल. तो गाइज ये था 9th क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको प्लीज लाइक शेयर जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें. थैंक यू सो मच.